अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े के भी लोग इन्जॉय करें। तो चले जी चलते हैं वीडियो की जानब। और जी घर में ना सबको बुखार हो रहा है, रहमान को बुखार हो रहा है, इतना भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं है और सभी भी बीमार हुए हैं, बुखार हुआ पड़ा है, आँखें ख़राब हैं। इस वजह से ना जिस्म में शदीद दर्द और सबको यही मसला बन रहा है आजकल। तो ये पता नहीं, ये वायरल जो आँखों का इशू बना हुआ है ना, दर्द जो आँखें रेड हो रही हैं, तो ये बहुत हो रहा है, सबको ही हो रहा है। तो अपना ख्याल रखें, ड्रॉप्स वगैरह हम लोग भी डाल रहे हैं, लेकिन ये मजाल है कि मेरी आँख को अब जाके फ़र्क पड़ा है, कहीं जाके अब जाके फ़र्क पड़ा है काफ़ी दिनों से। तो आज रहमान की भी आइज़ ख़राब हैं और उसे बुखार हो गया और स्कूल से छुट्टी लेके वापस आया था। तो चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं। चाय बन रही है, खाना खाने के बाद चाय पीते हैं। तो चाय माशाल्लाह से, क्योंकि गैस आने का मसला है तो इसलिए चाय भी रख दी है साथ ही हल्की आंच पे, ताकि ये देखिए बिल्कुल स्लो आंच है और इस पर बनेगी चाय, चाय बनती रहेगी। और जो कड़कड़ के चाय बनती है ना वो बहुत मज़े की लगती है। आपको, आप सब भी एग्री होंगे कि चाय जो जितनी ज़्यादा अच्छे से पके उतने ही मज़े की लगती है। मैं कड़के ऐसी पंजाबी चाहते हैं, कड़के पके तो बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे भी चाय बन रही है साथ में और अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम बहुत खूबसूरत है। ये देखिए जी माशाल्लाह मौसम भी बाहर इतना खूबसूरत है और बादल बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम है हमारे यहाँ। और अभी हम खाना खाते हैं और खाने में आज मैंने क्या बनाया है खाने में जी, मैंने आलू गाजर का सालन, साथ में जी रायता होता है ये तो मस्त है, और रुमाली रोटी है साथ में तंदूर की रोटी और नान भी है रहमान के लिए। रहमान नान खाता है और जिसने रुमाली रोटी खानी है वो रुमाली खाएगा, जिसने तंदूर की खानी है वो तंदूर की खाएगा। और बहुत मज़ेदार सा सालन बना है, बहुत मज़ेदार। और आज आए हैं जी काफ़ी दिनों के बाद मैंगो फिर हमारे घर और अपना दर्शन करवा रहे हैं और अभी हम खाएँगे खाना खाने के बाद। तो साथ बने रहिए। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद सारे के सारे बर्तन वॉश किए हैं और सारे बर्तन वॉश करके रख दिए हैं और किचन कर दिया नीट। मेन पॉइंट होता है किचन नीट हो जाए खाना खाने के बाद फौरन बर्तन सारे। और सुबह से यकीन करें कि मैं 3 दफ़ा किचन को साफ़ कर चुकी हूँ और अब जाके मुझे लग रहा है कि चलें जी अब खाना खाया लास्ट में, जो अब थोड़ा सा ना 2 घंटे वेट करने के बाद फिर गंदा हो जाएगा, क्योंकि शाम का खाना खाना है तो फिर उसके बाद फिर किचन को फिर एक दफ़ा नीट करना पड़ेगा। और बाहर माशाल्लाह से बारिश हुई है, हल्की हल्की सी बारिश होती जा रही है, मौसम बहुत अच्छा है। और चलें जी आज करते हैं दूसरा काम और उसके बाद आपको दूसरा जो घर का काम रहता है वो करना है। ये वाला फ़ैन जो है वो साफ़ होने वाला रह गया है, अभी इसको साफ़ करते हैं और बाकी जो मैंने रूम में साफ़ किए हैं पंखे वो मैं दिखाती हूँ। ये है सीढ़ी, इसको मैंने रखा है और इसके ऊपर चढ़ के जी मैंने जल्दी जल्दी से फ़ैन साफ़ किए हैं। और ये देखिए ये वाला भी फ़ैन साफ़ है और ये वाला फ़ैन भी अच्छे से साफ़ हो गया, लेकिन आपको इतना अच्छा साफ़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया है इसको, सारे रूम्स का साफ़ हो गया है। और ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग मैं कर रही हूँ ना, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, ये इस खुशी में कर रही हूँ। घर तो नीट ही होता है, सफाइयाँ ही होती हैं, लेकिन खुशी होती है कि ईद मिलादुन नबी का महीना है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने दुनिया में तशरीफ़ लाए और हम लोग मिलाद मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं इस महीने। तो बस इसी खुशी में मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मिलाद करवाना है अपने घर में। मिलाद में इसलिए बस ऊपर ही बैठने का इंतज़ाम करती हूँ, नीचे बैठने का नहीं। कई औरतें होती हैं तो फिर वो बहनें कहती हैं कि हमसे नीचे नहीं बैठा जाता, चेयर लाए हैं तो फिर वो कुछ नीचे बैठे हैं कुछ ऊपर बैठे हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। तो सारा ऐसा सेटअप किया है कि ताकि बैठने का जो सिस्टम है ना वो एक जैसा ही हो, सब बैठ जाएँ ऊपर ही बैठें। तो 7-8 औरतें होती हैं क्योंकि घर मेरा छोटा सा है, उसी में मैं उसी हिसाब से यानी कि जो औरतें होती हैं उनको बुलाती हूँ और अच्छे से मिलाद हो जाता है, बड़े अच्छे तरीके से मिलाद करवा लेती हूँ। और यही इसी खुशी में जी सारी डीप क्लीनिंग हो रही है घर की। और तो यही थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है लाइफ ऑफ फिरना के नाम पर, प्लीज़ वहाँ पर भी जाके जल्दी से फॉलो कर लें।